हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मस्तान ऑटो टेक। दोस्तों, आज हमारे पास एक मोटर आई है रिपेयरिंग के लिए, जिसका पार्ट नंबर है B4260 और ये मोटर लगी हुई है एक्सेंट में। तो कस्टमर का कहना था कि कभी ये ईपी स्टीयरिंग इसका नॉर्मल हो जाता है, कभी टाइट हो जाता है। तो कंपनी वगैरह में या कहीं बाहर भी उन्होंने चेक कराया, इसका ईपीएस मॉड्यूल चेंज करके भी देखा उन्होंने, गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो अब ये मोटर हमारे पास आई है, तो हम इसको ओपन करके देखेंगे कि इसकी मोटर में प्रॉब्लम है या गाड़ी में कोई और प्रॉब्लम है, क्योंकि हम इसको जब डायरेक्ट घुमाते हैं तो ये मोटर घूमती है बट गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो हमने इसकी मोटर को मंगाया है खोलकर, तो इसको ओपन करेंगे और देखेंगे कि प्रॉब्लम किस चीज़ का है। तो सबसे पहले इस छोटे सी स्क्रू ड्राइवर से हम इसका ये सॉकेट निकालेंगे इस तरीके से। ये बाहर आ गया इसका सॉकेट, ये इसकी पैकिंग है जिसको कि बाद में लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो स्टीयरिंग टर्न करते टाइम खटखट का साउंड आता है। और ये हमारा पुलर है, इस पुलर से हम इसको रिमूव करेंगे। तो देखते हैं इस मोटर को खोल करके इस मोटर में ही प्रॉब्लम है या कहीं दूसरी जगह पर प्रॉब्लम है। हमने इसकी वायरिंग वगैरह सब कुछ चेक किया, वायरिंग भी इसकी ओके है। इसमें ईपीएस मॉड्यूल भी चेंज करके देखा, ईपीएस मॉड्यूल में भी कोई तरह किसी तरह की दिक्कत नहीं है। दूसरा ईपीएस चेंज करके भी देखा इसमें, तो भी इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। कभी स्टीयरिंग सही चलता है और कभी अपने आप ही टाइट चलने लगता है। तो अब हमने इसकी मोटर को मंगाया है गाड़ी में से खोलकर, तो इसको अब हम खोल के चेक करते हैं। तो ये हमारा लग चुका है पुलर, इस पुलर से हम इसको इस तरीके से बाहर निकालेंगे, इधर से टाइट करेंगे। तो ये निकल चुका है बाहर, बहुत आसानी से निकल जाता है अगर आपके पास पुलर है तो। जो लोग पुलर का यूज़ नहीं करते वो मोटर को ही ख़राब कर लेते हैं, हथौड़ी से चोट मारकर निकालने की कोशिश करते हैं, या तो उससे आर्मेचर की शाफ्ट टेढ़ी हो जाती है या मोटर में आवाज़ पैदा हो जाती है। तो ये होते हैं इसके मोटर के दो स्क्रू, इनको करते हैं ओपन। ये खुल चुका है और ये भी खुल चुका है। तो इस तरीके से ये हो चुकी है इसकी बॉडी अलग, और ये है इसका आर्मेचर। तो आप देख सकते हैं इसमें साउंड है बहुत ज़्यादा। तो इस साउंड से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी मोटर में ही प्रॉब्लम है और मोटर की वजह से ही इसका स्टीयरिंग परफेक्ट वर्क नहीं करता। ये देखिए इसके आर्मेचर की क्या कंडीशन है, इसका कम्यूटेटर पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, बहुत निशान आ गए हैं इसमें, जिसकी वजह से इसमें इतना ज़्यादा साउंड आ रहा है। यह है इसकी कार्बन प्लेट, तो आप देख सकते हैं इसका यह कार्बन जाम है और इसको हमने दबाया तो ये भी जाम हो गया, ये भी जाम हो गया। तो इस मोटर में सिर्फ एक कार्बन है जो सही से वर्क कर रहा है, इसको हमने दबाया तो ये भी जाम हो गया, इसको दबाया तो ये भी जाम हो गया, इसको दबाया तो ये भी जाम हो गया, जबकि इसको वापस आना चाहिए।
ये प्रॉब्लम है इसमें, तो इसकी हम कार्बन प्लेट चेंज करेंगे और इसके आर्मेचर को बिल्कुल क्लीन करेंगे। जब तक ये क्लीन नहीं होगा मोटर का साउंड ख़त्म नहीं होगा। तो पहले इसके आर्मेचर को क्लीन करते हैं, इसको सही से साफ़ करेंगे। अगर आपके पास इसको अच्छे से साफ़ करने का सिस्टम है तो इसको आप साफ़ कीजिए, नहीं तो आप लेथ पर इसको हल्का सा कट लगाकर टर्न करा सकते हैं, उससे इसकी ये मोटर बिल्कुल साउंडलेस हो जाएगी। हम जिस तरीके से क्लीन करते हैं वो तरीका ये है, ये हमारी गन है, इसमें हम इसको बांध लेते हैं और ये लेथ की तरह ही वर्क करता है। ये हमारा एक छोटा सा रेती है, अब इसको हमने गन में बांध लिया है और हम इसको इस तरह से करेंगे। इस तरीके से हम इसके जो गड्ढे होते हैं कम्यूटेटर में उसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक वो साफ़ हो जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये साफ़ होकर आने लगा है, तो इसको अच्छे से करेंगे। ये देखिए ये कम्यूटेटर काफ़ी ख़राब कंडीशन में है, लेकिन हम इसको बिल्कुल परफेक्ट करके ही फिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो ये हो चुका है फ्रेंड बिल्कुल क्लियर। अब हम इसको एक बार थोड़ा सा रेगमाल से इसको बिल्कुल प्लेन करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़े निशान पड़ जाते हैं इससे, तो इसको करेंगे एक बार क्लीन। तो इस तरीके से इसको एक बार कर लेना चाहिए, जिससे कम्यूटेटर के ऊपर जो भी निशान पड़ जाते हैं वो साफ हो जाते हैं। और इन लाइनों में छोटे छोटे पार्टिकल जमा हो जाते हैं, उसको हमें ब्लेड से क्लीन कर लेना चाहिए। ये ब्लेड है, इस ब्लेड से इस तरीके से हम इसको जो इसके अंदर पार्टिकल जमा हो गए हैं छोटे छोटे, उनको रिमूव करेंगे। तो थोड़ा हम इसको साफ़ कर लेते हैं, वीडियो को पॉज कर देते हैं। तो फ्रेंड आर्मेचर हमारा बिल्कुल रेडी है और ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ये बिल्कुल साफ़ है। अगर इसमें थोड़ी बहुत आपको धूल मिट्टी नज़र आए तो उसको भी आप क्लीन कर सकते हैं। तो बॉडी में भी डस्ट रहती है, इसको भी क्लीन कर सकते हैं। तो अब हम खोलेंगे इसकी ये कार्बन प्लेट और इसको करेंगे चेंज।
ये दो स्क्रू होते हैं, और ये भी इजीली खुल जाते हैं। तो ये है इसकी कार्बन प्लेट, इसको एक साइड में रखते हैं, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। अगर आपको इसके बैरिंग टेस्ट करना है कि इसके बैरिंग में तो कोई साउंड नहीं है, तो ये आर्मेचर को आप ऐसे उल्टी साइड से लगाकर घुमाकर देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम चेक कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी कोई साउंड नहीं है। इसका मतलब हमारे दोनों बैरिंग ओके हैं। तो अब लगाएंगे हम इसमें नई कार्बन प्लेट। यह है हमारी नई कार्बन प्लेट। इसके कार्बन को आप चेक कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल ओके हैं। इसको फिट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन एग्जैक्ट जिस तरीके से मोटर रिपेयर होती है वो पूरा प्रोसेस इसी तरह से होता है। तो ये लगा दिए हमने कार्बन प्लेट, इसको कर लेते हैं टाइट। अच्छे तरह टाइट कर लीजिए, लूज ना रहे। तो ये लग चुकी है। अब आर्मेचर को करेंगे इसमें फिट। तो ये हो चुका है आर्मेचर फिट। अब लगाएंगे हम इसका ये सॉकेट। इसको ऐसे रखेंगे, इसको हम चोट मार के भी फिट कर सकते हैं, लेकिन चोट मारने से इसके बैरिंग में आवाज़ पैदा हो जाती है। तो हम इसको प्रेस करेंगे अपने इस टूल से। इसको यहाँ पर रखेंगे और इससे टाइट कर देंगे। तो ये हो चुका है हमारा पूरा प्रेस से टाइट। जब हम प्रेस से इसको फिट करते हैं तो मोटर में साउंड बैरिंग में आवाज़ पैदा नहीं होती। तो ये पूरी तरीके से फिट हो चुका है। कई बार हथौड़ी से चोट मारते हैं तो ये बैरिंग बहुत नाजुक होते हैं, इनमें अलग सा ही साउंड एक फील होने लगता है जो स्टीयरिंग पे भी महसूस होता है। अब इसको फिटिंग करेंगे। तो ये मोटर हो चुकी है हमारा, ये सॉकेट भी फिट हो चुका है, कार्बन प्लेट हमारी नई लग चुकी है अंदर, ये आर्मेचर भी इसका परफेक्ट घूम रहा है। तो
अब इसकी बॉडी को फिटिंग करेंगे। ये हो चुकी है बॉडी फिट। ये हैं इसके दो स्क्रू, इनको लगा लेते हैं। इसको कर लेते हैं अच्छे तरीके से टाइट। ये इसकी पैकिंग लगाते हैं। और अभी लगाते हैं ये, इसको कुछ नहीं करना होता दादा, ऊपर से रखें और नीचे प्रेस कर दें। तो ये फिट हो चुकी है। ये मोटर है हमारी हुंडई एक्सेंट की और ये कंप्लीट प्रोसेस है एक मोटर को रिपेयर करने का। उम्मीद है कुछ भाइयों के ज़रूर काम आएगा और अच्छा लगा होगा। अब इसमें किसी तरह की कोई साउंड नहीं है। और ये परफेक्ट वर्क करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।